अलग तरीके से रिप्रोडक्शन कंडक्ट करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाने के लिए या अपनी प्रोजिनी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोजिनी या अपने ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाने के लिए इन ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग तरीके से जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। अगर हम लोग बात करें कि रिप्रोडक्शन ऑफ कितने तरीके से हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आर मेनली टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन टूडेज क्लास वी विल talk about only asexual reproduction, how the animals reproduce asexually. There are certain things or there are certain points to remember in the process of asexual reproduction. In asexual reproduction, the offspring arises from a single parent. There is no need of two parents. The organisms arises from a single parent. In asexual reproduction, organisms of or offsprings arises from a single parent. In asexual reproduction, offsprings arises from a single parent. There is no need of second parent in the process of asexual reproduction. Though इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जो है पॉइंट वाइज अगर हम याद रखें तो इसकी डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? सिंगल पेरेंट। इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ नीड ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट। नो देन द सेकेंड पॉइंट इज दैट no involvement of sex cells, no there is no involvement of sex cell, or in other words we